भाजपा जमशेदपुर महानगर ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और कुकर्मों को लेकर निकाली शवयात्रा, पुतला फूंककर जताया रोष, राज्य में सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ। सूबे की मुख्य विपक्षी दल भाजपा आक्रामक होकर सड़क पर उतर आई है। रविवार को झारखंड भाजपा के निर्देशानुसार भाजपा जमशेदपुर महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की शवयात्रा निकालकर विरोध दर्ज किया। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साक्ची स्थित जिला कार्यालय से साक्ची बड़ा गोलचक्कर तक सरकार विरोधी नारों के संग शवयात्रा निकालकर झारखंड सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार हाय हाय, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के नारे लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में खनिज संपदाओं की खुली लूट मची हुई है। हेमंत सरकार के संरक्षण में अवैध खनन के जरिए राज्य सरकार को मिलने वाला राजस्व एक परिवार के पास जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति ली। उनके करीबी आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल खनन सचिव है। यह मंत्रालय खुद हेमंत सोरेन के पास है। पिछले दिनों आईएएस अधिकारी के करीबियों के आवास से करोड़ों रुपए ईडी ने बरामद किए हैं। जब ईडी ने भ्रष्ट अधिकारियों की लूट कथा को उजागर किया तो कांग्रेस, झामुमो और राजद जैसी पार्टियां भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के बजाय इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं ने पूरे देश में झारखंड की साख को धूमिल किया है। इस दौरान रीता मिश्रा, अभय सिंह, चंद्रशेखर मिश्रा, अनिल सिंह, राजन सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार, कल्याणी शरण, संजीव सिन्हा, सुधांशु ओझा, बबुआ सिंह, अनिल मोदी, मंजीत सिंह, नीलू मछुआ, प्रेम झा, नारायण पोद्दार, मणि मोहंती, कौस्तव राय, अमित अग्रवाल, ज्योति अधिकारी, धर्मेंद्र प्रसाद, बिनानंद सिरका, अजीत कालिंदी, संजीव कुमार, नीरज सिंह, अमिताभ सेनापति, निशांत कुमार, लक्की सिंह राजपूत, सुरेश शर्मा, चंचल चक्रवर्ती, ध्रुव मिश्रा, संजय सिंह, हेमंत सिंह, संजय तिवारी, बजरंगी पांड्या, अजय सिंह, हेमेंद्र जैन हन्नू, कुमार अभिषेक, अभिमन्यु सिंह चौहान, अभिषेक श्रीवास्तव, हन्नी परिहार, अमित सिंह, अमन मिश्रा, एस कार्तिक समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड प्रभारी रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सोरेन के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है। नित प्रतिदिन झारखंड में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम हो रहे हैं। झारखंड भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब रहा है, नहा रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर कैबिनेट सचिव तक भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं और ये हेमंत सोरेन की सरकार इस भ्रष्टाचार के गंगोत्री में नहा रही है और देश के मानचित्र पर झारखंड बदनाम हो रहा है। झारखंड को लूट खंड में तब्दील किया जा रहा है। अवैध माइनिंग की प्रकाष्ठा हो गई है और हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके नाम से माइनिंग, उनके भाई के नाम से माइनिंग, उनके परिवार के नाम से माइनिंग, सारा का सारा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, पूरा कैबिनेट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में झारखंड के प्रत्येक जिला में हेमंत सोरेन सरकार का शव यात्रा निकाल करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया है और ये भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार से हम इस्तीफे की मांग करते हैं।